अजाब गजाब घर जमाई। नानी जी, नानी जी आपने हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? पता चल जाएगा बेटा। नानी जी ये बड़े लाल जी क्या ला रहे हैं? चाय लेके आए। नानी जी ये क्या है नानी जी? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा गर्म पानी है और इस गर्म पानी में तुम्हें अपने दोनों पैर डालने हैं ताकि इन्हें पता लग जाए कि तुम्हारे पैरों में कोई एहसास नहीं बाकी है। भाई इनको भी तो तसल्ली होनी चाहिए, लाखों का दावा है। सही बात है। भाई इनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारा दावा कितना सच्चा है। आज को आज क्या नानी जी, भले ये मोटा हम पर यकीन करे ना करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नानी जी। लेकिन नानी जी आपके विश्वास के खातिर हम आग के दरिया पार कर लेंगे नानी जी। ये तो गर्म भगोने का पतीला है, हम अभी पैर डालते नानी जी। डाल दो। चलो हिम्मत करो भाई। देखो भैया, ए भैया आंख खोल के देख लो अपनी। तुम उधर इसका मुंह उधर। नाना जी इस टाइम तक जलते हुए कोयले पे चलवा दो साडू भाई को, काम से है अपना। हिम्मत रखो। आज दिखा देना है कि इसने हमारे साथ क्या किया, छोड़ना नहीं है इसको, मुआवजा लेके मरूंगा मैं। हिम्मत रखो आप लोग। भैंस को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या होगा। ये कैसे हो गया मालकिन? पानी खुद हमने खौला कर लाया था, इतना गर्म था मालकिन पानी, इतना गर्म था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। मगर अपने महान जमाई जी उस खौलते हुए पानी में ऐसे पैर डाल के बैठे थे जैसे कि तालाब में पैर डालकर इत्मीनान से मछलियां पकड़ रहे हो। ये उस चिंटू चौटाला की चाल है, कम नहीं है वो। आपके पास हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इनके पूरे नाटक पर से पर्दाफाश हो जाए। अरे कमाल कर दिया साड़ू भाई आपने, कमाल कर दिया। अरे भाई क्या जुगाड़ लाए हैं ये, अरे उस करोड़ी मल का चेहरा तो देखने लायक था। साड़ू भाई अब तो हमारी चीज पक्की है। हाँ साड़ू भाई, ये है एकता में अनेकता। नाना जी याद है ना आपको, हैं वो गाना सिखाया था मैंने आप लोगों को, एक चिड़िया अनेक जवाई है। ये देखो साडू भाई, पैसे आते ये वाली गाड़ी लेने वाला हूं मैं, एम्पाला। अरे तुम गाड़ी छोड़ो, मेरे तो अभी हाथों में खुजली शुरू होगी भाई। कौन है, आ जाओ। ओ नाग देवता, नाग देवता दर्शन कर लो नाग देवता है। जय हो। तुम अकेले आए खाली हाथ, मिठाई नहीं लाए हमारी जीत की? महान जवाई मिठाई बाद में खाइएगा, पहले आप बाहर तो आइए हॉल में, मालकिन जी आपका इंतजार कर रही है। चेक के लिए बुला रही होंगी, चेक तैयार। चलो तैयार हो जाओ। जी नहीं, चेक के लिए नहीं, वो क्या है ना, महान जी का एक छोटा सा टेस्ट बाकी है। हिम्मत। एकदम छोटा सा टेस्ट बाकी है, नानी जी ने आपके लिए बिच्छू मंगाए हैं। वो क्या है ना, बिच्छू आपके पैरों पर छोड़े जाएंगे, उससे निर्विवाद रूप से ये साबित होगा कि आप लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। चलिए मालकिन जी बुला रही है। हिम्मत रखो, इसने सांप ने चमड़े की बेल्ट से आपको डसा था, तब कुछ नहीं हुआ, बिच्छू क्या बिगाड़ेंगे आपका। अरे हमसे नहीं होगा, हम जा रहे नानी जी को सबसे बताने। हमसे नहीं होगा, वो पाइप में फेंक कर रहा है। इसको इस पे बैठाओ, पाइप में बैठ, शांति अरे समझते नहीं हो, कौन अपने ऊपर बिच्छू तुड़वाएगा पैरों पे, हम नहीं तुड़वाएंगे। शांति रखो, मैं बता रहा हूँ, दो चार इंजेक्शन नोट होगा, बैठ आराम से। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, बाहर बैठे हुए 50 लाख पानी फिरवाओगे आप उनपे। देखो साडू भाई बात को समझो, सामने मंजिल खड़े भी है, 50 लाख अपना मुंह खोल के खड़े हैं हमें खाने के लिए।
क्या मिर्गी आ जाती? मंजिल नहीं खड़ी है लालची, इंसान मौत खड़ी है सामने। भैया हमें माफ करो, हमसे ना हो पाएगा, अभी चुरी चुड़वाने हमें। अरे हम जा रहे हैं। अजब गजब घर जमाई।